एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए मैं आज लड्डू गोपाल जी के लिए सेंटा क्लोज वाली ड्रेस लेकर आई हूँ, रेड और व्हाइट। आप सभी जानते हैं क्रिसमस आने वाला है और मैं कल अपने कान्हा जी के लिए ये सेंटा क्लोज वाली ड्रेस लेकर आई हूँ। मेरे कान्हा जी 5 नंबर के हैं तो मैंने 5 नंबर की ड्रेस बनाई हुई है। देखना अब ये इस तरह से ये बनकर बहुत सुंदर लगती है। अभी थोड़ी अनकम्प्लीट है, मुझे यहाँ पे भी व्हाइट व्हाइट इसको जो ऊपर पंपम होता है ना वो देना है और ये इस तरह से बनती है। तो मैं पहले ये ऊपर आप पजामी से स्टार्ट करती हूँ। पजामी डालने के लिए मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए मैंने रेड और व्हाइट ही ऊन ली है क्योंकि ये तो आपको पता ही है क्रिसमस में तो रेड और व्हाइट ही चलता है। तो मैं यहाँ पर चैन बनाने के लिए देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये हम चैन थोड़ा सा ढीला बनाएंगे क्योंकि ये हमारी चीजें टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर टाइट रहती है तो फिर कान्हा जी को जो क्योंकि कान्हा जी बैठे हुए होते हैं तो उनको आती नहीं है नीचे से। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 नंबर के कान्हा जी के लिए मुझे यहाँ पर 28 की चैन बनानी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 की देखिए चैन अभी आपको देखने में बड़ी लग रही होगी पर नहीं, जब आप पहनाएंगे तो ये बिल्कुल सही आएगी। तो 28 की मैंने आप यहाँ पर चैन ली है। 28 की चैन लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको इससे लास्ट वाली जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहां पर इसको मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी, इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दूंगी। तो देखिए ध्यान रखें ये चीजें हमारी जो है सीधी ही होनी चाहिए क्योंकि हमें ये इसी तरह से लेनी है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ये जो डिजाइन है वो बनकर नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे ये सीधे ही रखना है, आप ध्यान रखिए। और ये यहाँ पर इसमें लास्ट वाले में कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर एक चैन से ही आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और ये इस तरह से यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी भूल है ये अभी आपको सेट हो जाएगी बीच में। बस अब यहाँ पर आप एक दो यहाँ पर चैन बनाइए और यहाँ पर हर एक लूप में जो ये चैन का होता है ना इसमें हर एक में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लीजिए। आप सिंगल क्रोशिया ले सकते हैं, डबल क्रोशिया ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर डबल क्रोशिया लूंगी और उसके बाद में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लूंगी। तो मैं यहाँ पर अभी देखिए डबल क्रोशिया लेती हूँ। फर्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया लूंगी, सेकंड राउंड में यहाँ पर फिर मैं सिंगल क्रोशिया लूंगी। तो यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया ले रही हूँ। तो आप देखिए डबल क्रोशिया हर एक चैन में आपको ध्यान रखना है, चैन कोई भी आपको छोड़नी नहीं है और हर एक चैन में यहाँ पर मैं 28 बार ही यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से ये इसको कम्प्लीट करूंगी। पूरा राउंड जो मेरा ये इसी तरह से कम्प्लीट होगा और ये आप देखिए ये राउंड बनकर ही यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा राउंड कम्प्लीट करते हैं डबल क्रोशिया से। यहाँ पर देखो ये मेरा ये कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट राउंड और अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर जो चैन सिस्टे से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। जो भी हम यहाँ पर चैन बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इस बार डबल क्रोशिया था तो मैंने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी और अगर सिंगल क्रोशिया होता है तो सिर्फ हम यहाँ पर 2 चैन बनाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से मेरे पोर्शन बन चुका है, राउंड हो चुका है ये पूरा। अब मैं यहाँ पर एक दो सिंगल क्रोशिया की चैन बनाऊंगी नीचे का डिजाइन। तो मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बनाऊंगी तो मैं हर एक लूप में आपको देखना कोई भी लूप छोड़ा नहीं है, हर एक लूप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाइए। 2 की चैन बनाई और हम हर एक लूप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं और आप इसके कम से कम यहाँ पर ये 1, 2 आप यहाँ पे 3 राउंड और कंप्लीट किए, 3 या 4 राउंड कंप्लीट कीजिए तो मेरा हिप्स का पोर्शन जो ये है ना ये पोर्शन बन के तैयार है। देखिए मैंने इसमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड कर रखे हैं तो यहाँ आपके 2 राउंड सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर इसके सहित 5 राउंड और कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आप उसे कंप्लीट कीजिए। देखो मैंने यहाँ पर अपने 5 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आता है और क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ये मेरी ज्वाइन आ रहा है तो वहां मैं इस पोर्शन को इस तरह से कर देती हूँ और अपने इधर आधे और इधर आधे फंदे मतलब जो ये है ना डबल सिंगल क्रोशिया तो उन्हें मिड में कर लेती हूँ। अब देखिए मेरे इसमें 28 थे जैसे यहाँ पे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर मेरे हो गए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मैं यहाँ के 7 लेके यहाँ पे मैं मिड में ही इसको यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। देखो यहाँ पे ये इस तरह ज्वाइन करने से आपको पता चलेगा ये इस तरह से यहाँ पे ये मिड में इस तरह से आपने ज्वाइन कर लिया। देखिए ये निकल मतलब टाइप का हो गया। ठीक है,
ये पंजाबी आपके स्टार्ट। अब यहाँ पे हम यहाँ पर फिर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे, ठीक है। दो की चैन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर पीछे से बना रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देखिए वन और टू, इस तरह से आप ये इस तरह से करते हुए ये एक बार थ्री फोर फाइव और सिक्स, आपने ये सिक्स लिया है। सिक्स लेने के बाद आप यहाँ से ये आप अपना दो ये जो है स्किप कर सकते हैं, स्किप करें, और उसके बाद क्योंकि हमारे जो ये यहाँ से हमारे जो ये वो होते हैं पांच छह ये पतले होते हैं, तो हम यहाँ पे ये स्किप कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर ये एक स्किप करके और हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले में फिर से यहाँ पर कर सकते हैं सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और ये थर्टीन। आप लास्ट में हमारे 14 थे तो हमने यहाँ पर 13 से इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब जो मैं ये चेन स्टिच जो हमने यहाँ पर दो की चेन बनाई थी इससे हम यहाँ इसको इस तरह से चेन स्टिच से इसको ज्वाइन कर देते हैं। आपको इस पजामी में एक पता है आपको नहीं तो सिलना पड़ेगा, आपको सुई धागे की सहायता से भी सिलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से फिर से वन टू दो का राउंड करिए, टू चैन बनाइए और फिर से आप अपने यहाँ पे इसको देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, पिछली बार हमने यहाँ पर वो सिक्स लिए थे ना, अब की बार हमने फाइव लिए और एक स्किप कर दिया यहाँ से, और स्किप करने के बाद यहाँ से हम करेगा और हम फिर से यह इधर की साइड हम फाइव ही करेंगे। तो हमारे ये जो है इस तरह से हमारे जो पाइचा है वो हमारा सही से बनता चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक एक अपना काम करना, ये इस तरह से थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद हम यहाँ से फिर से हम यहाँ पे चेन स्टिच से अपना इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये आपने फिर से दो, आपको जितनी बड़ी पजामी बनानी हो, मुझे यहाँ पर भी चाहिए अभी है ना यहाँ पर दो और चाहिए, तो इसी तरह मुझे अपना ये राउंड कंपनी कंप्लीट करना है इसी तरह बनाते हुए। तो मैं इसी तरह अभी बनाऊंगी, अभी ये बना रही हूँ तीन चार पांच छह, ध्यान रखिए अब ज्यादा नहीं, अब आपकी जो भी है पहुंचे हैं सेवन एट नाइन टेन इलेवन, क्योंकि लास्ट बार हमारे वो थे टेंथ ट्वेल्थ थे, अब हमारे यहाँ पर इलेवन हो चुके हैं। तो इसी तरह से करते हुए हमारा यहाँ पर ये राउंड अभी कंप्लीट होने वाला है। ये पाउचे बहुत ज्यादा लंबे नहीं बनाने हैं क्योंकि कान्हा जी जो बैठे होते हैं ना, वो कान्हा जी की जो सिचुएशन होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इसमें हम यहाँ पर बस ये जो मेरा लास्ट राउंड है तो मैं इसको ही बनाऊंगी, बस ये मेरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद मुझे यहाँ पर व्हाइट का भी बॉर्डर देना है। तो इसी तरह से मैं बनाती हुई सिंगल चैन की सिंगल क्रोशे की सहायता से मैं अपना ये एक यहाँ पे अपना ये राउंड पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लूंगी। देखिए मैं आपको ये जो इधर वाला जो पॉइंट है मैं आपको इसलिए पूरा दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि दो नंबर के कान्हा जी के लिए बन रही है ड्रेस तो ये थोड़े छोटे हैं और मेरे वाले कान्हा जी पांच नंबर के हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी बनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये करते हुए अपना यहाँ पे ये राउंड अपना कम्प्लीट करना है और अपना ये धागा अपना कट करना है। और देखिए ये इतना ही मुझे काफी है क्योंकि कान्हा जी बैठे छोटे से लगते हैं और यहाँ पर मुझे व्हाइट का बॉर्डर करना है, ठीक है। मैं इस धागे को कट करती हूँ, अब मैं इसका ये बॉर्डर बना रही हूँ। अब मैं ये इसकी दो की यहाँ पर मैंने चैन बनाई है लॉक लगा के, कोई चैन बना ली दो की, उसके बाद में इसमें से देखिए एक बार इसमें से इस तरह से निकालना है, देखो दो बार और ये तीन, कम से कम आपको ध्यान रखना है ये तीन बार निकाल के फिर उसके बाद हमें इसको इस तरह से कवर करना है। देखिए आप एक चैन बनाइए, मैं दोबारा बताती हूँ, नेक्स्ट वाली रो में आप देखिए ये इस तरह लूप लीजिए और ये इस तरह डालिए, एक बार दो बार तीन बार, तीन बार कर लीजिए, आपका इच्छा इससे ज्यादा भी कर सकते हैं पर तीन बार भी काफी रहता है।
तो ये तीन बार मैंने इस तरह से ये बॉर्डर इसका लिया, तो बॉर्डर इसका ये मोटा मोटा रहता है। मैं दोबारा बताती हूँ, इसे इस तरह से आप पकड़िए और इसमें आपको सिर्फ फंदे ऐसे एक एक बार निकालना है, फिर यहाँ पे फिर लेना है, फिर से फिर निकालना है, फिर लेना है लूप, फिर निकालना है और फिर से लूप लेना है। और आप ये इस लूप से आपको इस तरह से इसको यहाँ पर क्रोशिया की सहायता से इसको इस तरह से कर देना है और ये एक चैन बनाना है, क्योंकि आप देखिए ये इससे बॉर्डर काफी मोटा मोटा सुंदर दिखाई देता है। तो इसी तरह से मैं अपना ही राउंड कंप्लीट करूंगी। देखो मैंने ये कवर कंप्लीट कर लिया है अपना, ये जो बॉर्डर था इसका ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें डोरी डालने का काम रह गया इसमें, वो बाद में करूंगी। अब मैं देखिए इसका ये जो सेंटा क्लॉज की तरह का कोट होता है ना, वो बनाने जा रही हूँ। ये मेरा बड़ा कोट है, तो मैंने यहाँ पर इसमें ऊपर से यहाँ पर इसमें फंदे मैंने 25 लिए थे। अब मेरा छोटा कोट बनेगा तो मैं सिर्फ इसमें 18 फंदे लूंगी, ठीक है। 18 प्लस देखिए 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देखिए 18 मैंने यहाँ पर इसकी ये चैन दी है। 18 के बाद में 1, 2, 3 चैन और करूँ, तीन चैन मेरी यहाँ गिनी नहीं जाएंगी क्योंकि तीन चैन मेरे यहाँ पर एक लूप काम करेगी। और मैं यहाँ पर तीन के बाद जो यहाँ पर इसमें यहाँ पर मैं इसको डबल क्रोशे से इसको बनाऊंगी, तो मैं ये जो इस जो होता है ना हमारा चोली वाला डिजाइन, ये बनेगा सिंपल उसी तरह से, पर इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है। इसकी बाजू लंबी होती है, नीचे का जो टॉप होता है वो लंबा होता है, तो इसीलिए हम स्टार्ट हमें वैसे ही करना है, जिसलिए हर एक चैन में यहाँ पर मुझे डबल क्रोशिया करके मुझे यहाँ पर एक ये राउंड और एक ये राउंड मुझे इस तरह से कंप्लीट करना है, और सेकेंड राउंड मुझे यहाँ पर एक में दो डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं अपने दो राउंड कंप्लीट करूंगी, ठीक है। एक राउंड ये इस तरह से सिर्फ सिंगल, तो ये डबल क्रोशिया इधर से एक बार और ये दो बार, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया एक बार और फिर दो बार। नेक्स्ट वाले जो हम नेक्स्ट वाला राउंड आएगा उसमें हर एक में से मुझे यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया लेके यहाँ पर दूसरा राउंड भी कंप्लीट करना है। देखिए मैं भी ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। इसी तरह मुझे ये अपना राउंड कंप्लीट करना है और मुझे नेक्स्ट में जो मुझे पहुंचना है उसमें सारे में मुझे यहाँ पर डबल राउंड ही बनाने हैं, डबल क्रोशिया हर एक राउंड में दो बार ही बनाना है मुझे। देखिए इस धागे को हम यहाँ पर इस तरह सेट कर लेते हैं तो ये धागा हमारा चमकता नहीं है और हमें ये इस टाइम से इसे इजीली हम इसको कवर अप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पर कवर अप कर लिया और ये धागा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देगा, तो ये जो धागा होता है ये नहीं तो चमकता है फिर अच्छा नहीं लगता और हम इसको बिल्कुल बारीक से काट भी नहीं सकते क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग होती है। देखिए मेरा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड के लिए मैं यहाँ पर 1, 2, 3 बार मैं यहाँ पर चेन बनाऊंगी। और देखिए इधर से पलट के मैं यहाँ इसको फर्स्ट राउंड में तो मेरा ये एक ही इनफ होता है क्योंकि ये यहाँ पर जो तीन चैन बनाई ये भी एक से डबल क्रोशिया काम करते हैं और मैं यहाँ पर इसमें जैसे एक बार और इसी ही वाले में ही दो बार, तो मैं यहाँ पर हर एक चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और मैं अपना राउंड इसी तरह से कंप्लीट करूंगी डबल। देखो मैंने यहाँ पर अपने दो राउंड कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्योंकि ये कोट है अगर हम दो नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं वुलन में तो सिर्फ हमें दो राउंड ही कंप्लीट होते हैं। मैंने यहाँ पर तीन राउंड किए हैं, इसमें मैंने आपसे बताया था ना हर एक में मैंने यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया किया है और इसमें मैंने हर एक में यहाँ पर सिंगल बार ही डबल क्रोशिया किया क्योंकि ये खुद ही इतना फैल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोट का है क्योंकि कोट का थोड़ा सा यहाँ पर बाजू का जो ये होता है ना ये चीजें फिर नहीं तो फिट नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। तीन राउंड मेरे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, अब मेरे यहाँ पर तीन की चैन बन रही है और फिर से हम इसको पलट के फिर से इसमें हम यहाँ पर एक बार दो मतलब यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है 2, 3 और 4, 4, 5 बार हमें करने के बाद देखिए पांच बार करने के बाद हमने ये पांच कर लिया डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें यहाँ पर जो ये लीव्स का है ना आस्तीन का जो है डिजाइन ये हमें छोड़ के बाद में बनाना है क्योंकि अगर हम अभी बनाएंगे तो हमारी लीव्स या तो हम लीव्स बना पाएंगे या फिर हम ये बना पाएंगे, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि ये यहाँ से डिजाइन में छोड़ देती हूँ।
तो मुझे यहाँ पे बाजू में तीन तीन दुनी छह तीन तीन नौ, यहाँ पर मुझे नौ जो डबल क्रोशिया है मुझे ये कम से कम नौ मुझे डबल क्रोशिया छोड़नी पड़ेंगे, नौ से या दस तक, दस मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया मैंने छोड़ दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है और मैं अपना ये चोली वाला जो डिजाइन है ना ये वाला इसे कम्प्लीट। अब ये जो बाजू है आपकी ये कोट की बाजू लंबी होती है तो मुझे यहाँ पर ये बाद में बाजू बनानी होगी, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर ये एक ले लिया, ये दो तीन, जितना हमने यहाँ पर धर लिया है उतने का मैं यहाँ पर डबल लूंगी, चार पांच छ सात आठ, ये जो डिजाइन है पूरा का पूरा वैसे तो चोली बनती है ना उसी तरह जाता है, पर इसमें बाजू और नीचे का जो होता है नौ और ये दस, देखिए ये दस हो चुके हैं, पांच और पांच दस, मैंने क्योंकि यहाँ पर ये पांच का ही चैन लिए थे, तीन दो पांच पांच के ही मैंने यहाँ पर ये जो डबल क्रोशेट लिए थे फ्रंट पे। अब मैं तीन तीन दो नौ, अब मैं यहाँ पर नाइन फिर से नाइन जो है या टेन फिर से मैं रखूंगी बाजू के लिए, और आप देखिए इधर वन टू थ्री फोर फाइव, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पांच ही बार मुझे यहाँ पर बचने चाहिए, तो ये मेरा पूरा परफेक्ट बैठ रहा है और मेरी यहाँ पर फाइव बार डबल क्रोशिए कि ये फिर से मैं यहाँ बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर, चोली में और इसमें ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस बनाने का जो तरीका है अभी देखिए जो हम लीव्स है वो बनाएंगे, और अब हम इसे नीचे को हमें जितना लंबा करना है, मैंने यहाँ पर नीचे कम से कम यहाँ पर तीन राउंड लूंगी, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे नीचे ही सिर्फ तीन राउंड ले सकती हूँ, इसके नीचे मैंने देखिए काफी राउंड लिए हैं, तीन भी हैं और एक दो तीन चार पांच, मैंने इसमें पांच राउंड लिए हैं, तो अब छोटे कान्हा जी की ड्रेस है तो मैं तीन या चार राउंड हमेशा लूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके तीन या चार राउंड जो मुझे ड्रेस के अकॉर्डिंग अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो इस तरह मैं अपने सिंपल हर एक में यहाँ पर मुझे यहाँ पर डबल क्रोशे ही करना है और कोट की तरह ही नीचे तक बनाना है। आपको ध्यान रखना है इसको बीच में से ज्वाइन नहीं करना है और ये अलग अलग ही ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पर फोर राउंड कम्प्लीट कीजिए, ठीक है। इसको फोर राउंड कम्प्लीट करते हैं उसके बाद मैं आपको बाजू बताती हूँ। मैंने ये व्हाइट से अपना ये राउंड कम्प्लीट करना शुरू कर दिया है, ये जो नीचे कोट की बाउंड्री है ये मैं इस तरह से यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ तो मैंने जो पैंट में लिया था वो तो उसमें यहाँ पर कम लिया था, मैंने यहाँ पर इस तरह से एक लूप ये लिया और यहाँ पर इस तरह से एक दो तीन चार, कम से कम चार बार पांच बार आप इसको करिए, थोड़ा सा ये इसका मोटा मोटा इसमें डिजाइन बन जाएगा, और फिर उसके बाद एक चैन से मैंने इसको कवर कर दिया। फिर उसी तरह से एक दो तीन चार, चार बार इसको करके और इस तरह से ही यहाँ पर एक मोटा सा ये लूप बन जाता है, क्योंकि ये जो बॉर्डर होता है जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस की मार्क मान लिए ये इस तरह से ही एक पूरा वो कॉटन होता है ना ये वाइट पूरा वाइट होता है। अब हम लोग पूरा वाइट तो कर नहीं सकते, अब हम लोग इस तरह से इसका यहाँ पर ये मोटा मोटा डिजाइन बनाकर इसको इस तरह से हम अपना बना सकते हैं। आप चाहे तो फ्रिल भी बना सकते हैं, मैं इसको इस तरह से मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से बना लिया, और आप देखिए इधर यहाँ पर इधर राउंड इधर आ जाएगा, तो इसे हम यहाँ पर इसी तरह से इसी के पास में ही आपको ध्यान रखना है इसी के पास में ही लेना है, एक दो तीन चार, ठीक है चार बार यहाँ पे इसी राउंड में लिया और ये फिर से इसे एक हम चैन एक एक्स्ट्रा भी लेंगे ताकि ये हमें मोड़ने में थोड़ा सा हमारे पास स्पेस हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट में वन टू थ्री और फोर, हमें इस तरह से ही चार चार बार अपना ही करके अपना ये राउंड अपना देखो ये इस तरह से बॉर्डर यहाँ से लेके और पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है, इसी तरह से हर एक चैन में यहाँ पर हमें इस तरह से बॉर्डर बना के अपना कंप्लीट करना है। देखो मैंने ये इसकी वाइट बाउंड्री कंप्लीट कर ली है, अभी बाजू की काफी बाजू की रह रही है, इससे पहले मैं आपको ये इधर की बाजू बनाना सिखा रही हूँ। तो एक दो तीन मुझे यहाँ तीन की ही बाजू बहुत है, अभी तो मैं छोटा सा लग रहा है, जब हम पहनाएंगे तो ये काफी रहता है। अब इसी तरह देखिए अब यहाँ से अब आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और ये बस इसी तरह से डाल के आप इसको एक नॉट से इसको अनलॉक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक तुम्हारा नोको से लॉक किया है और तीन की मेरी चैन हो गई,
उसके बाद आप ध्यान रखिए यहाँ पर कम से कम हमें यहाँ पर 10 क्रोशे 10 डबल क्रोशे करने हैं। तो यहाँ पर एक दो जो हमारी बाजू है, तो आपको ध्यान होगा बाजू के लिए मैंने 10 यहाँ पर डबल क्रोशे छोड़े थे, उसी तरह से हमें यहाँ पर जो है 10 डबल क्रोशे करने हैं। और ये हमें इसी तरह से अपने इसी राउंड को या अपने ये कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट राउंड में हमें 9 उसके बाद में 8, इस तरह से अभी हमें अपनी जो बाजू की होती है ना, बाजू ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है, नीचे से थोड़ी कम होती है, तो उसी तरह हमें अपनी बाजू अपनी कंप्लीट करनी है। बस इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, बस ये इसी तरह से है अपनी बाजू को, जैसे हम बाजू का बॉर्डर बनाते हैं ना, उसी तरह हमें बाजू को फुल स्लीव्स के लिए इसको कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसकी 3 राउंड बनाऊंगी, तो फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए आपको इसको सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बस यहीं पे इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये अब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुई धागे का बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद 1, 2, 3 की हम फिर से चैन बनाएंगे और फिर से हम अपना नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करके इस तरह अपनी बाजू इस तरह से बनाएंगे। मैं आपको खुद दिखा देती पर ये वीडियो बहुत लंबी रहती है। फिर इसी तरह मैं देखिए ये इसी अगले में निकट से, और आप तो ये काउंट करते रहना, जो आपकी ये डबल क्रोशे है ना, तो हमने फर्स्ट में 9 टाइम रखे, उसके बाद हमारे 9 हो जाएंगे। एक एक हम यहाँ पर जो है साइड में यहाँ पर नहीं करते, एक एक जो है हम उसको छोड़ देते हैं, तो हमारे ये 9 हो जाएंगे। तो इसी तरह हम अपने बाजू जो है इस तरह से ही कम्प्लीट करते हैं, दूसरी बाजू भी, और साथ में इसका बॉर्डर भी बनाते हैं। ये वाला जो बॉर्डर मैंने सिखाया ना आपको, ये तो आप भी यहाँ पर ये 4 बार ये डबल क्रोशे लेकर इस तरह से अपना बॉर्डर कंप्लीट करते हैं। तो मैं अपना कोट कंप्लीट करती हूँ, इसकी बाउंड्री करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। इसकी बाजू भी यहाँ मैंने इसको व्हाइट से कंप्लीट किया है, और ये इस तरह से मेरा कोट बनकर तैयार हो चुका है। ये आपने 2 नंबर की कान्हा जी के लिए बनाया है, ये कोट बनकर मेरा तैयार हो चुका है। उधर पजामे भी जिसका पजामा था वो भी बनकर मेरा तैयार हो चुका है। अब मेरी यहाँ पर रह गई कैप, इस तरह की मैं कैप बनाने जा रही हूँ। अब कैप देखिए मेरे यहाँ पर सिर्फ सिंपल यहाँ पर छोटे कान्हा जी हैं, तो आपके यहाँ पर 5 यहाँ पर चैन, 5 की चैन, एक तो हमें ये लॉक लगाया, और उसके बाद हमें यहाँ पर 5 की चैन बनानी, 1, 2, 3, 4, 5 5 की हमें चैन बनानी है, और लास्ट वाले में हमें इसको निकालना है, और इसको इस तरह से हमें यहाँ पे निकाल के इस तरह से करना है। और ये देखिए हमारा ये हो चुका, उसके बाद हम 1, 2 की हमें यहाँ पर चैन बनानी है, और हम इस राउंड को जो हमारा ये राउंड है ना, इसको लगभग 10 जो हमारे सिंगल क्रोशिया है उससे इसको भर के मुझे इसको कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट राउंड में फिर से मुझे इसको कंप्लीट करना है, और आपको एक जो है एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है, जो आपका ये है जो उसका राउंड शेप होता है वो, ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसी तरह देखिए मैं अपने ये राउंड पहले तो ये वाला कंप्लीट करूंगी, और फिर उसके बाद देखिए मैं तो दिखाती हूँ, ये मेरा इसका गोल वाला राउंड जो फर्स्ट राउंड है इसका मेरा वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसको यहाँ पर इसको चेन स्टिच की सहायता से इसको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका, अब नेक्स्ट राउंड में भी यहाँ पर एक दो चेन बनाकर यहाँ पर हर एक चेन में यहाँ पर आपको सिंगल क्रोशिया करके ही बनाना है, और हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। और आपको एक दो एक के बाद कभी इसमें मतलब एक राउंड में ये दो जगह, तो आपको इसको यहाँ पर एक ही राउंड में एक ही में दो बार सिंगल क्रोशिया दो बार करना है, तो ताकि हमारा ये जो देखिए आप देखिए पहले इसका घेर छोटा था, फिर ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला गया, कान्हा जी का सिर बड़ा होता है, ये मेरी बड़े कान्हा जी की कैप है, तो ये इस तरह से बड़ा होते होते मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 राउंड के रही मैंने इसमें, और मैं इसमें सिर्फ 4 राउंड करूंगी, क्योंकि ये छोटे कान्हा जी की ड्रेस है, तो मैं इसमें आपको इसको 4 राउंड करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं इसको 4 राउंड करके, और इसमें आपको दिखाई देखिए ये नीचे इस तरह से ही कैप बनाकर, जो मैं आपको ये जो बॉर्डर बनाया है उस तरह से ही मैं इसका कैप बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसको कम्प्लीट करती हूँ, देखिए देखो मेरी कैप बनकर तैयार है, ये मैंने इसके लिए आपको पम्पम भी लगा दिया है, और देखिए ये जो सेंटर क्लॉस की ड्रेस होती है वो इस तरह से ये कैप बड़ी सुंदर लगती है, ये इनका कोट भी बन गया है, और इनकी पजामा भी तैयार है। ठीक है, मैंने इसमें पजामे में ये डोरी डाल दी है, तो इससे आपको ये कि छोटा बड़ा होने में आपको इजी रहता है। ठीक है ना, आप ये इस तरह से फिर टाइट कर सकते हैं, आप ये डोरी डालिए। अब आपकी आप सोचेंगे कि इसमें एक चीज की कमी है, देखिए किस चीज की कमी है, और आपको ध्यान लग रहा हो यहाँ पर जो सेंटा क्लॉज एक बैग लिए रहते हैं ना, उस चीज की कमी है।
देखिए तो मैंने बैक के लिए क्या करा है, 15 की यहाँ चैन बनाई है और उसके बाद यहाँ पर हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया करके मैंने इसको इस तरह से कवर कर दिया। और मैं ये एक देखिए, फिर ये मैं एक एक इंक्रीज करके मैं इस पोटली को, जो इनकी पोटली होती है ना, उसको मैं बढ़ा कर तैयार करती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये पोटली मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये मैं आपको पूरा मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। फिर देखिए इसी तरह से मैं इसको पूरी की तरह से बबी जो बनाऊंगी, तो मैंने इसके भी यहाँ पर 3 राउंड किए हैं, 3 सिंगल क्रोशिया के राउंड। अभी मुझे ये थोड़े से राउंड और कंप्लीट करने हैं, तो लगभग यहाँ पे मुझे 2 राउंड और कंप्लीट करके मुझे इतनी सी बस पोटली बहुत है, क्योंकि कान्हा जी की ये ड्रेस हम उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, सेंटा क्लॉज के अकॉर्डिंग, तो हमें ये हल्का सा थोड़ा सा लुक उनका देना चाहिए। वैसे तो हमारे कान्हा जी इतने सुंदर होते हैं कि ये हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, और कान्हा जी हमें देते रहते हैं सब कुछ, पर यही कि मैंने सोचा कि बिना इसकी पोटली भी बनाई जाए। पोटली बनाने बहुत इजी है, सिर्फ मैंने 15 की चैन ली यहाँ पर और फिर यहाँ से अपना राउंड करके और इसको ये बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए इजीली तरीके से बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैंने इसकी 1, 2, 3, 4 मेरा चल रहा है, 5, 6 राउंड तक मेरे बहुत है, तो मैं यहाँ पर 6 राउंड बनती हूँ, इसे मैं कम्प्लीट करती हूँ, नीचे से बंद करती हूँ। ठीक है, देखो मेरी ये मुझे इतनी पोटली इनफ है, क्योंकि छोटे से कान्हा जी हैं। और देखिए मैं इसको इसी बिना सुई धागे की सहायता से इसके साथ ही इसे इस तरह से इधर से और ये इधर से निकाल कर मैं इसको नीचे से पोल्ट्री को ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से बहुत इजीली है ये जो जाती है, मुझे सुई धागे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी पूरी ड्रेस में। और देखिए मैंने ये हो गया। अब इसको आप ये धागे को आप चाहिए तो यहाँ लंबा करके वाइट की डोरी बनाए, चाहे कैसे बनाए, तो मैं यहाँ पर इस धागे को इसी तरह से, देखिए मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसको यहाँ से लेके एक ये इस तरह से, और देखिए ये मैं इस तरह से लेके एक थोड़ा सा आपको मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें कोई भी कट नहीं लगाया है, और ये इस तरह से यहाँ से लेके मेरी ये इस तरह से बन गई है। और देखिए ये इसलिए पोटली का ये हो गया सर, एक ये मैं इसकी अब चैन बना रही हूँ। चैन आपको लंबी चाहिए चाहे लंबी बनाइए, छोटी बनाइए, जैसी भी आपको इच्छा हो वैसे चैन बनाइए, ये इतनी सी मुझे काफी है। देखिए और मैं इसको फिर इसको इसी तरह से यहाँ इधर से भी मैं इसको इसी तरह से ज्वाइन इधर कर रही हूँ, तो ये मेरी पोटली बनकर तैयार हो चुकी है। और हल्की सी बाउंड्री जैसे मैंने उधर करी है, ऐसे ही मैं इस बाउंड्री को इधर कर देती हूँ, तो इसकी ये जो है डिजाइन भी बन जाता है और मुझे धागा कहीं भी कट नहीं करना पड़ता है। बस ये मेरा तैयार हो चुका है। अब मुझे धागा यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऐसी छोटी सी कितनी सुंदर लग रही है, तो अभी देखिए ऐसा पर्स एज ए पर्स की तरह हो गई है। ठीक है ना, ये आपकी, देखिए मैं इसको धागा कट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो है बास्केट की ये यहाँ पर फ्लावर बनाया है, और देखिए मैंने इसकी 5 की वही लूप बना ली है, और मैं इस लूप को इस तरह से भर लूंगी, मैं इसमें ये नहीं करूंगी, और सिर्फ बस इस तरह से करके ये 2 बार निकाला, फिर इसको यहाँ पे चेन निकाल दिया, क्योंकि मुझे छोटा सा फ्लावर चाहिए। फिर यहाँ पे 2 बार फिर से निकाला, फिर यहाँ पे चेन में निकाल दिया, और ये फिर 2 बार निकाला, तो ये मेरा फ्लावर बनके भी तैयार हो जाएगा ये ड्रेस। उसके बाद फिर से मैं 2 बार निकालूंगी, 1 बार और ये 2 बार निकाल के, ये 2 बार लूप निकाल के इस तरह से मेरा फ्लावर बन जाएगा, 1 बार और ये 2 बार। छोटी सी ड्रेस है, अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर्ल लगा लें, कुछ भी कर लें, पर ये इसमें मुझे इतना ही इनफ है। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया है, और मैं इस फ्लावर को यहाँ पर इसको डाल दूंगी। तो यहाँ मुझे सुई धागे की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, अदरवाइज पूरी ड्रेस में मुझे सुई धागे की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी है। देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर सुई धागे की सहायता से इसको यहाँ पर काट दूंगी, ये इस तरह से तैयार हो जाता है। देखिए मेरा ये पूरा सेट बनकर तैयार हो चुका है, टोपी विथ कोट और ये पजामा और फिर विथ पर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।